नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 25 नवंबर 2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, मंगल तुला राशि में, वृश्चिक राशि में सूर्य बुध केतु, धनु राशि में शुक्र, मकर राशि में शनि और कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। इनके आधार पर राशियों का क्या फल होगा आइए देखते हैं। मेष राशि, गृह कलह का संकेत है, थोड़ा सा झगड़े झंझट से बचे, कूल होकर के, शांत होकर के घरेलू चीजों को निपटाएं। भूम भवन वाहन की खरीदारी संभव है, स्वास्थ्य में सुधार, लेकिन अभी भी प्रेम और संतान की स्थिति में बहुत अच्छी बात नहीं है। सूर्य को जल देते रहे निरंतर। वृषभ राशि, जो आपने सोच रखा है, जो आपने डिजाइन कर रखा है, उसको इंप्लीमेंट करिए। चीजें अच्छी हैं, व्यवसायिक सुधार की तरफ आप जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है और प्रेम की स्थिति भी अच्छी है, तो कुल मिलाकर अच्छा समय है। भगवान शिव को प्रणाम करते रहें, उनका जलाभिषेक करते रहें और अच्छा हो। मिथुन राशि, शादी ब्याह तय हो सकता है, नौ प्रेम का आगमन, नौ संबंध का आगमन, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चल रहे हैं, बस पूंजी का निवेश अभी ना करें, सफेद वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि, जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, अच्छी स्थिति है, स्वास्थ्य में सुधार है, प्रेम और संतान की स्थिति, व्यापार की स्थिति, सब कुछ बहुत अच्छा है। भावनाओं पे काबू रखें केवल, बाकी सारी चीजें ठीक है। बजरंग बली को प्रणाम करते रहे। सिंह राशि, सिंह राशि की स्थिति अनायास ही थोड़ा सा मन खराब रहेगा, खर्चे को लेकर के, किसी अज्ञात भय को लेकर के मन परेशान रहेगा। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम की स्थिति भी अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें अच्छा होगा। कन्या राशि, आर्थिक मामले सुलझेंगे, रुपए पैसे का आवक बढ़ेगा, मन भी संकुल रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार है, संतान और प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, राजनीतिक लाभ, कोर्ट कचहरी में विजय, पैतृक स्थिति अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सही है, पीले वस्तु का दान करें और अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, भाग्यवश कुछ काम बनेंगे, धार्मिक बने रहेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, यात्रा भी संभव है, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है, लेकिन प्रेम व्यापार की स्थिति अच्छी है, लाल वस्तु पास रखें। धनुराशि, अभी कोई नई शुरुआत मत करिए, जोखिम भरा समय है, एक दो दिन की बात है, इसके बाद बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम की स्थिति पहले से काफी बेहतर है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चल रहे हैं, बस नई कोई शुरुआत मत करिए, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए, खराब समय कट जाएगा। मकर राशि, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, मन खुशहाल रहेगा, रंगीन बने रहेंगे, ऊर्जा का संचार हो रहा है, प्रेम व्यापार संतान स्वास्थ्य अद्भुत दिख रहा है, सफेद वस्तु पास रखें। कुंभ राशि, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, गुढ़ ज्ञान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा है, थोड़ा डिस्टर्बिंग जरूर रहेगा, प्रेम व्यापार की स्थिति काफी अच्छी है, गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम में दूरी खत्म हो रही है, संतान आपकी आज्ञा का पालन कर रही है और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चल रहे हैं, सफेद वस्तु पास रखें। नमस्कार।